हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलाषा आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी कुकिंग चैनल अभि निगम कुकिंग में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं लेके आई हूं बेसन के ढोकला, वो भी खट्टी मीठी, बहुत ही टेस्टी। तो वीडियो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, देखिए कितना स्पॉन्जी बना है आप लोगों के सामने में, देखिए कितना जालीदार बना है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, थोड़ा सा स्किप नहीं करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ा सा मैंने बॉल लिया है, एक कटोरा मैंने बेसन लिया है, देखिए ये वजन से 100 ग्राम बेसन है। एक कटोरा हम पानी लेंगे, पानी को साइड में रख कर हम 100 ग्राम बेसन में 2 चुटकी ही नमक ऐड करेंगे दोस्तों, सिर्फ नाम मात्रा के लिए। तो 2 चुटकी मैंने नमक ऐड कर दिया है, 1 चुटकी करीब देखिए हल्दी ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करना है दोस्तों, नहीं तो कलर डार्क हो जाएगा। 1 चम्मच हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, चीनी देखिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नींबू, तो नींबू हम 1 चम्मच ही अभी ऐड करेंगे, बाकी हम रस में ऐड करेंगे दोस्तों। तो देखिए मैं 1 चम्मच ले रही हूँ निचोड़ कर, तो देखिए है ना 1 चम्मच। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो घोल कैसे तैयार करना है आप लोगों को पूरा वीडियो में देखना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करते रहिए और घोल तैयार कर लीजिए। तो घोल हम ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और मोटा भी नहीं करेंगे। मोटा कर देंगे तो क्या होगा, आपकी ढोकला जिस तरह से था ना जालीदार नहीं बनेगी। तो दोस्तों मेरा मेदी डिजाइन कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये अच्छे से ढोकला बनकर तैयार हो गया है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना पतला है ना, ज़्यादा पतला नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग को भी रखना है, देखिए मैं दिखा देती हूँ, चम्मच को इस तरह से पीछे की तरफ से दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था इसलिए मैं हटा देती हूँ पहले, देखिए है ना। तो 100 ग्राम में मेरा पानी देखिए कितना लगा है आप लोग को दिखा देती हूँ, देखिए हाफ लगा है, समझिए करीबन 1 कप से 1.5 कप पानी लगा है। तो उसी हिसाब से आप भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ढककर रख देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करती हूँ, एक बर्तन तैयार कर लेती हूँ, देखिए इस तरह से मेरे पास है। अगर आपके पास ये वाला कटोरा नहीं है, थाली है इससे बड़ा है, तो उसका भी मैं प्रोसेस समझाऊँगी आगे वीडियो में, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल अच्छे से हम लगा देते हैं। तो दोस्तों बीच में मेरा थोड़ा सा ऑयल छूट गया था तो चिपक गया था दोस्तों, तो आप लोग ऑयल अच्छे से लगाइएगा। तो दोस्तों 5-7 मिनट हो गया है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, देखिए तो ये बैटर अच्छे से बनकर तैयार है दोस्तों। तो इसमें अब मैं कुछ सामग्री ऐड करूँगी, देख सकते हैं कितना पतला है, ना पतला है ना मोटा है, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो देखिए 2 चुटकी के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा तीखा। तो दोस्तों मिर्ची अभी मैं थोड़ा सा ही ऐड किया है, आगे और मिर्ची में डालूंगी। तो एक इनो लिया है, ऑरेंज फ्लेवर है दोस्तों, देखिए तो मैं पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए ये बैटर कैसे बन जाएगा अभी आप लोग देखते रहिए। तो इसको रखना नहीं है दोस्तों, मिलाना है और तुरंत पकाने के लिए डाल देना है। तो कढ़ाई मैंने पहले ही पानी उबलने के लिए रख दिया है दोस्तों गैस पर। तो एक बात आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ये इनो देने से पहले पानी को अच्छे से उबाल लीजिएगा एक बड़ा सा कढ़ाई में, जो भी बर्तन में आप बनाते हैं। तो पहले ही मैंने कढ़ाई में पानी ऐड कर दिया था चढ़ाने के लिए, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से डंप कर देते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कढ़ाई कौन सा मैंने लिया है। तो देखिए पानी अच्छे से उबाल हो गया है ना। तो एक के एक बनाने वाला होता है स्टैंड, कोई बर्तन है कटोरा वगैरह तो आप वो भी यूज कर सकते हैं नीचे में रख कर। तो इसको ढक कर हम 20 से 22 मिनट तक हम पकाएंगे दोस्तों मीडियम फ्लेम पर, तब हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। लेकिन ये पूरा पकने में 20 से 22 मिनट लगा था मेरा, इसलिए मैं पूरा टाइम आपको बता दिया हूँ। तो गैस को हम ना तो मीडियम रखेंगे ना हाई रखेंगे। तो देखिए मैं 15 मिनट बाद चेक कर रही हूँ तो कैसा है, देखिए चाकू की सहायता से इस तरह से
बीच बीच में आपको चेक करना है 15 मिनट के बाद। तो थोड़ा सा लग रहा है दोस्तों, तो अभी मैं और 7 मिनट पका लेती हूँ। 5-7 मिनट बाद मैंने फिर से चेक किया तो पक गया था दोस्तों। तो पूरा मेरा पकने में 22 मिनट लगा था। तो गैस को आपको ज़्यादा हाई नहीं रखना है दोस्तों, न ही लो रखना है, मीडियम रखना है, देख सकते हैं मेरा। तो अब मैं चेक कर रही हूँ, देखिए अभी पक गया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गैस को बंद कर देंगे और अभी कढ़ाई में ही छोड़ देंगे दोस्तों ठंडा होने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ये आराम से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम कट करेंगे और चाशनी बनाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा गर्म ही रहने देना है, तब तक हम क्या करते हैं इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड किया है, काला सरसों 1 चम्मच है, देखिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। काला सरसों से बहुत ही अच्छा स्वाद टेस्ट आता है इसमें। तो इसको हम अच्छे से चटकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें और चीज़ ऐड करेंगे। तो राय जब तक चटक रहा है तब तक हम आप लोग को दिखा देती हूँ मैं क्या ऐड करूँगी। तो देखिए 5-7 मैंने मिर्ची लिया है, तीखा खाना पसंद करते हैं तो 2 मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। मिर्ची को मैंने 2 टुकड़े में कट किया है 20 से। करी पत्ता, धनिया पत्ता, तब हम करी पत्ता, धनिया पत्ता, मिर्ची को हम सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही भूनेंगे दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा ही भूनना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल कप होता है ना आप लोग के घर में चाय पीने वाला, वही कप से हम 2 कप पानी ऐड करेंगे इसमें। तो पानी में अच्छे से उबाल देखिए आ रहा है ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और नमक। तो देखिए मैं नमक थोड़ा सा ही ऐड किया है, तो दोस्तों नमक थोड़ा सा ही ऐड करना है, आप टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो 3 चम्मच हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच, खट्टी मीठी लगना चाहिए। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो दोस्तों नींबू पहले नहीं ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। देखिए मैं किस तरह से ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच के करीब मैंने नींबू का रस ऐड किया है। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। तो अब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देते हैं चाशनी को, तब तक हम क्या करते हैं इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए चाकू के सहायता से हम इसको पहले चारों साइड से इस तरह से करेंगे, इस तरह से देखिए। तो दोस्तों ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। थोड़ा सा मेरा अभी गर्म है। तो दोस्तों बोला था ना ऑयल अच्छे से नहीं लगाइएगा तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए मेरा ऑयल अच्छे से नहीं लगा था तो इस तरह से हो गया। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो दोस्तों एक बात आप लोग को मैं बता दूं कि जो वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूँ सिर्फ मोबाइल के लाइट होता है उससे शूट कर रही हूँ, रिंग लाइट में कल ऑर्डर कर दिया हूँ, अब वीडियो अच्छा से जाएगा दोस्तों। तो क्योंकि मेरे पास अभी लाइट का उतना व्यवस्था नहीं था, मोनेटाइज भी चैनल नहीं हुआ था, इसलिए मैं रिंग लाइट और नहीं खरीदा था, पर मैं अभी ऑर्डर कर दिया हूँ। तो 2-3 दिन के बाद मेरा आ जाएगा रिंग लाइट। तो इसको मैं अभी कट कर लेती हूँ, देखिए। तो दोस्तों अस्थिर से कट करना, इस तरह से जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना, तो चाकू होना चाहिए प्लेन वाला दोस्तों। तो कितना स्पॉन्जी बना है देखिए। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बहुत ही विस्तार से वीडियो में समझाती हूँ। तो चाकू प्लेन वाला होना चाहिए दोस्तों कट करने के लिए, अगर प्लेन वाला होगा तो अच्छे से कट होगा। तो साइड वाला जो बचा है ना उसको मैं फ्राई करूँगी अपने लिए दोस्तों। तो दूसरी प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ, बहुत ही स्पॉन्जी बना है दोस्तों। मेरे घर में ना जब खाए ना तो सबको बहुत ही अच्छा लगा, मैं बराबर बनाती हूँ दोस्तों। तो मैं जो चीज़ पहले खुद अनुभव कर लेती हूँ तब आप लोग के लिए बनाती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से मैंने प्लेट में लगा दिया, अब हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे। तो अभी गर्म चाशनी है दोस्तों क्योंकि गैस मैंने बंद नहीं किया था। तो चाशनी मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दिया, अगर चाशनी बच जाता है तो आप रख दीजिए, थोड़ा देर के बाद फिर से ऐड कर दीजिएगा। देखिए मैं वीडियो में फिर से आप लोग दिखा दी हुई हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,
थोड़ा सा मदद करिए आप लोग दोस्तों, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ ना, तो वीडियो थोड़ा सा हिंदी में ही बोलती हूँ, कभी कभी मैथिली भी बोल देती हूँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो देखिए किस तरह से मैं चाशनी इसमें ऐड कर रही हूँ दोस्तों। थोड़ा सा बच गया साइड वाला ना, उसको हम मसाला डालकर फ्राई करके अपने लिए बनाऊंगी दोस्तों। अगर वीडियो देखना है मसाला वाला तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, कमेंट करिएगा तो उसका वीडियो मैं अलग से शूट कर दूंगी आप लोग के लिए। तो थाली में बनाने के लिए ना आप लोग को टाइम कितना होना चाहिए, 10 मिनट काफ़ी होता है दोस्तों थाली में बनाने के लिए। अगर कटोरा भी है बड़ा वाला तो 100 ग्राम बेसन के लिए ना आपको 15 मिनट में हो जाएगा तैयार। आप लोग को इस बात को ध्यान देना है, थाली में बनाते हैं तो 10 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि पतला होता है ना इसीलिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों ये सारा रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, बहुत सारा रेसिपी अपलोड है दोस्तों, तो जाइए आप लोग देखिए और अपने घर पर जरूर ट्राई करिए। थैंक यू।